लालकुआ नगर में किसी भी बैंकिंग संस्थान के पास पार्किंग की व्यवस्था नहीं होने से बैंक कर्मचारियों और ग्राहकों के वाहन दिन भर एनएच पर खड़े रहते हैं, जिसमें अक्सर नगर में जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। साथ ही इससे लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नगर में हर दिन लगने वाले जाम के बावजूद प्रशासन बैंकों के लिए पार्किंग व्यवस्था मुहैया कराने के लिए कोई पुख्ता उपाय नहीं कर रहा है। बताते चले कि लालकुआ नगर में ट्रांसपोर्ट नगर से लेकर तहसील कार्यालय तक सरकारी और निजी क्षेत्र के आधा दर्जन बैंक संस्थान व उनके एटीएम हैं, जिनमें सैकड़ों ग्राहक हर दिन लेन देन के लिए आते हैं। साथ ही इन बैंकों में दर्जनों कर्मचारियों भी कार्यरत हैं। वहीं यहां आने वाले ग्राहक एवं कर्मचारी अपने वाहनों को बैंकों के सामने एनएच पर खड़े ही कर देते हैं, जिससे एनएच पर बार बार जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। साथ ही एनएच किनारे वाहनों के खड़ा रहने से राहगीरों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वहीं वाहनों से घटना की आशंका भी बनी रहती है। पूरे शहर में बैंकों के अलावा पूरे शहर में जो है पार्किंग की व्यवस्था जो है बहुत खस्ता हाल है इसकी। आए दिन जो है दुर्घटनाओं की जो है संभावना बढ़ी रहती है और जो है इससे यातायात भी बाधित होता है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए नगर प्रशासन को इसका संज्ञान लेना चाहिए और इस पर तत्कालीन रूप से जो है इस पर कार्य करना चाहिए। क्या पार्किंग के लिए कोई व्यवस्था करे नगर प्रशासन और जो है इसके लिए जो है उचित व्यवस्थाएँ शीघ्र देखें। पूर्व में भी नगर पंचायत और बैंकों से भी बोल चुके हैं कि इतनी गाड़ियां आप बाइकें आपके कस्टमर की खड़ी रहती हैं, जो कि सारी बैंकें आप देख रहे हैं एनएच पे ही हैं। ठीक है, इससे एनएच जाम रहता है, कई बार दुर्घटना हो भी चुकी है, दुर्घटनाओं की संभावना हमेशा बनी रहती है। लेकिन कई बार प्रयास करने के बाद भी नगर पंचायत बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे रही, बिल्कुल भी बेपरवाह जो है यहाँ प्रशासन नगर पंचायत में बैठा हुआ है, चाहे वो ये हो या यहाँ का अध्यक्ष हो। पंचायत को जब इतनी बैंकों से और रोड की इन बड़ी बड़ी दुकानों से कर वसूल कर रही, तो उन्हें सुविधा देनी चाहिए कि यहाँ पार्किंग हो। और इससे दोनों का ही नुकसान है ना, जो गाड़ी खड़ी है अगर उसको लगती है उसका भी नुकसान, कोई दुर्घटना होती है, यातायात विवादित होता है, जाम भी लगा रहता है, जिसमें कई बार हम लोग बोल चुके हैं, लेकिन कोई भी इसमें सुविधा नहीं दे रही नगर पंचायत।